का मित्रा ये भलवा तुम जाओ तो सही जाओ तो कह रही पल्ले में रख लो ध्यान रख लो तो चाह मत तोड़ दे पहले देखा तो सही ये मारेंगे ये मार सोनो जल्दी डालने कोई बात नहीं कितने में बताओगे ओ भैया अभी बात करो कितने में मैया तुम कोई गाजा के बिना तब मेरी दूर से खल्लल करा दे कितने में बताओगे रोते हुए बच्चे बेलगती हुई मां ये दर्दनाक मंजर है गोवर्धन के परिक्रमा मार्ग स्थित एक कॉलोनी का यहां एनजीटी के आदेश के बाद ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा रही है कार्यवाही के दौरान जैसे ही विकास प्राधिकरण की टीम राधाकुंड कस्बे के निकट एक कॉलोनी में बने मकान पर बिना नोटिस के ध्वस्तीकरण कार्यवाही करने पहुंची और जैसे ही महाबली का पंजा इस बेवा के मकान पर चला तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया छोटे छोटे बच्चे बिलबिलाकर रो उठे जिसे देखकर मौके पर उपस्थित लोगों और पुलिस प्रशासन की भी आंखें नम हो गईं। आखिर ये मंजर ही कुछ ऐसा था बेबस बेवा रोती रही और विकास प्राधिकरण का महाबली मकान पर चलता रहा जिस आशियाने को इस बेवा के पति ने बड़े ही जतन से बनाया था उसे पल भर में ढेर कर दिया गया बिखेर दिया गया इसी बिखरन के साथ इस बेवा के दिल के अरमान भी बिखर गए उसने सोचा था कि इसी मकान में किसी तरह वो अपनी जिंदगी काट कर अपने बच्चों को बड़ा कर सकेगी ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके और उसका सहारा बन सके लेकिन नियम कानून ने उसके सपनों को तोड़ कर रख दिया कुछ देर बाद जब विकास प्राधिकरण की टीम अपनी कार्रवाई को अंजाम देकर मौके से चली गई, तो पीड़ित बेवा ने रोते हुए बताया कि उसे सरकार द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया और वे अचानक आज उनके घर पर आकर उनके अरमानों को ध्वस्त कर गए आपके मकान में कार्रवाई की गई आज तोड़फोड़ की गई आज मकान की कचु हाँ आज तोड़फोड़ की गई है आपने यहाँ अच्छा कोई नोटिस आपको दिया उन्होंने कोई नोटिस नहीं दिया आपको सीधा कार्रवाई कर रहे हैं अभी तुमने बात की तो क्या कह रहे थे जिसको तोड़ेंगे सबको तोड़ के जाएंगे कोई नोटिस नहीं देंगे और तोड़ेंगे तोड़ेंगे कोई नोटिस की जरूरत नहीं है अच्छा नोटिस दिया ही नहीं अभी तक अब सवाल ये उठता है कि वाकई ये मकान अवैध है क्या विकास प्राधिकरण लागू होने के बाद बना है या एनजीटी ने विकास प्राधिकरण को इस प्रकार ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं ऐसे कुछ सवाल हैं जिन्हें लोग जानना चाहते हैं या फिर ऐसी कौन सी वजह है जिसकी वजह से विकास प्राधिकरण मकानों को तोड़ने के लिए मजबूर है मोहन सिंह तो क्या मामला है ये मकान तो ये मकान भैया हमने तो पैसन से खरीदी खेत बेच के तो जमीन खरीदी ये बिन हल्ला मचो पहले भाई कैंसर में बीमार थे बीमार लगे एक साल डेढ़ साल उनमें पैसा लगाया भाग दौड़ गई भैया खत्म हो गए छोटे छोटे बच्चे हैं 6-7 इनको लेके बताओ कहाँ जाएं प्रशासन इनको त्यौहार पर तोड़ रहा है इस हिसाब से अब ये लोग कहाँ तो जाएंगे खेत भी बेच के आए अब ये छोटे छोटे 7-8 बच्चे हैं इनको लेकर अब देखो प्रशासन कुछ सुनता है कि हमें ऐसे ही उजाड़ देगा ये रोड पर पड़े रहेंगे कहाँ करेंगे चोर बदमाश उन क्या होगा इनका लास्ट में अब बच्चा इनका बुरा हाल है रोड खाना नहीं खा रहे हैं 4-5 दिन पहले कह गए टूटेगा पता कितना बुरा हाल हो रहा है अब प्रशासन ने क्या कहा आपसे अब ये जो कह रहे हैं इसको हटा लो नहीं तो हम तोड़ देंगे इसको अब इनके तोड़फोड़ की है कुछ हाँ तोड़ दिया ये सब बगल में से बाउंड्री बाउंड्री ये सब तोड़ दी है बताओ इनके लिए हम कहाँ जाएंगे उन बच्चे अब छोटे छोटे कहाँ करें और क्या नहीं करें भाई थे वो कैंसर में बीमार हो गए 8-10 लाख रुपए में वो भी खर्च हो गया ठीक ठीक